के फैक्ट फाइल्स में आपका स्वागत करती हूँ। कोरोना वायरस को लेकर काफी वीडियोस, मैसेजेस और फोटोएं वायरल हुई है और आज हम ऐसे ही एक वीडियो के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के साथ जो मैसेज वायरल हो रहा है उसका दावा है कि वीडियो में दिखाया गया दृश्य हैदराबाद के गांधी अस्पताल के बाहर का दृश्य है। इस वीडियो में जमीन पर पड़े एक व्यक्ति के शव को दिखाया गया है और जो व्यक्ति इस वीडियो को शूट कर रहा है उसका कहना है कि यह गांधी अस्पताल के शवों की स्थिति है। उस व्यक्ति ने जमीन पर लेटे हुए दो लोगों को भी दिखाया और मोर्चुअरी के बाहर खड़ी एक मोटर बाइक को भी दिखाया। शूटिंग ले रहे व्यक्ति का दावा है कि वह बाइक डॉक्टर की है और उसने बाइक तो जरूर खड़ी किया लेकिन इन शवों को अंदर ले जाने की जहमत नहीं उठाई। जांच करने पर पता चला कि यह वीडियो 23 अगस्त 2019 को YouTube पर अपलोड किया गया था और भी अधिक जांच करने के बाद हमें द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का एक न्यूज आर्टिकल प्राप्त हुआ जिससे यह साबित हो गया कि यह वीडियो गांधी अस्पताल के बाहर का ही है। इस वीडियो में वर्णन कर रहे व्यक्ति की पहचान MBT यानी कि मजलिस बचाओ तहरीक के अमजद उल्ला खान के रूप में है, पर उन्होंने यह सूचित कर दिया कि यह वीडियो उनको एक पार्टी कार्यकर्ता ने दिया है। 2019 में गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर पी श्रवण कुमार ने इस वीडियो के झूठे होने का दावा किया है। सोशल मंचों पर वीडियो के साथ वायरल हो रहे मैसेज का दावा है कि यह वीडियो कोरोना वायरस के समय का वीडियो है और वीडियो में दिखाए गए दो शव कोरोना वायरस के पेशेंट के शव है, पर जांच के बाद हमें समझ आ गया कि यह वीडियो कोरोना वायरस के समय का वीडियो नहीं है बल्कि बहुत पहले का वीडियो है। ऐसे वायरल वीडियोस और मैसेजेस का भरोसा ना करें, इसकी पहले जांच कर लें। और भी अधिक फेक न्यूज के बारे में जानकारी पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट factcrescendo.com को विजिट कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।